आज हम बना रहे हैं एक वीडियो फ्री फायर का, और हमारे पास है यहाँ पे डीजे आलोक और फैल्कन पेट। तो हम आ चुके हैं लॉबी में, और सबसे पहले हम जाते हैं स्टोर में, क्योंकि मैंने आज चालू किया इस गेम को अभी सुबह सुबह ही, इसलिए अब चालू करते हैं। स्टोर में आ गए हम, स्टोर में फ्री डील ले लेते हैं हम जाके। 108 हमारे पास डायमंड पड़े हैं, फ्री डील्स में जाते हैं, फ्री चीज़ ले लेते हैं हम स्टोर में जाके। ये रोज़ सिंपल चीज़ें कुछ ना कुछ छोटा छोटा कुछ मिल जाता है, इसलिए लेना इसको बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। हम फ्री डील ले चुके हैं, आते हैं लक रॉयल में। लक रॉयल में आने के बाद हम फ्री फायर में आ चुके हैं, और यहाँ पे गोल्ड पास में आ चुके हैं। गोल्ड पास में हम लेते हैं, तो हमने स्पिन कर लिया एक दो, और हम बाहर चलते हैं। अब बाहर चलने के बाद हम आ जाते हैं वॉल्ट में। वॉल्ट में आने के बाद हम, आप टी शर्ट पड़ी है एक नई, तो वो लेते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ और कपड़े वपड़े हम बनाएं, तो सबसे पहले गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी मार दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और घंटी को दबाना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के बाद। और आपको किसी भी नए कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कंटेंट पे भी वीडियो बना दूंगा, और आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल बड़ा बनेगा। और आप चाहते हैं कि मैं मिथ्स वगैरह किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप चाहते हैं किसी और गेम पे या कुछ और चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पक्का से बनाऊँगा, क्योंकि हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ेंगे गाइस, रियली सारी कमेंट्स पढ़ेंगे। तो अपने लोगों को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे MB के, और हम चालू करते हैं आज रैंक गेम। हमारे वॉल्ट एक बार से और चेक कर लेते हैं, वॉल्ट में हमारा पावर अप्स आया हुआ है 50% EXP का। हम आज चालू करते हैं रैंक्ड गेम। रैंक्ड गेम चालू कर रहे हैं हम विद डीजे आलोक एंड फैल्को। तो चलिए गेम चालू होने वाला है, मैच मेकिंग हो रही है, और ये रैंक्ड गेम है तो रैंडम मैप है ये रैंक्ड गेम में भी, और सोलो खेल रहे हैं हम। तो रैंडम रैंक मैप में कालाहारी भी आ सकता है, बरमूडा भी आ सकता है। तो गाइस अगर मैं अभी आजकल खेलता हूँ तो मोस्टली मेरे क्या कालाहारी आता है, और अगर कालाहारी आता है तो मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ उतरना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो आप या तो मरोगे या फिर मारोगे, इतना ही होएगा। तो हम डीजा लोग लेके आ चुके हैं आपकी ख्वाहिश पे, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि डीजा लोग इसमें सब कुछ होता है, मतलब मोस्टली। और हमारे पास जोटा की एबिलिटी भी है इसमें, और प्लस हमने एक और एबिलिटी ले रखी है जो आपको दिखाऊंगा मैं आपको, और लेवल अप करके भी दिखाऊंगा। अच्छे से देख लीजिए आप हमारे थोड़े से इमोट, छोटे से ही है गाइस, लेकिन सब आपके लिए है। देखिए हम आपके कदमों में झुक रहे हैं, और हम अपनी गर्दन को तोड़ रहे हैं। थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम हो चुकी थी अभी, लेकिन अब गई, अब हमारा कनेक्शन वापस आ चुका है, रीएस्टेब्लिश हो चुका है। तो गाइस कभी कभी क्या होता है, आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग नेट यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वजह से कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज़ आपने ही फेस करी होगी, अगर आप इस चीज़ को अगर सोचते या फिर मानते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है आजकल, तो बहुत दिक्कत रहती है। तो हम आ चुके हैं, आज हमारा आया बरमूडा मैप। जी हाँ दोस्तों, बरमूडा मैप आया बहुत टाइम बाद। हम उतर रहे हैं आज प्लांटेशन, क्योंकि वहाँ पे ब्लू लूट जोन है, वहाँ पे ब्लू जोन बोल सकते हैं उसको, ब्लू जोन नहीं बोल सकते, हाई लूट जोन बोल सकते हैं। तो हम उधर उतरेंगे, हम अपना बाउंटी भी एक्टिवेट कर लेते हैं, और इजेक्ट होने वाले हैं प्लेन से। हम थोड़ा सा आगे और चले जाए, फिर प्लेन से इजेक्ट होकर जस्ट लैंडिंग करेंगे जहाँ पे हमने मार्क लगाया है। थोड़ा सा आगे और जा रहे हैं प्लेन से। और आप चाहते हैं कि मैं आपको हिडन प्लेसेस के बारे में बताऊँ इस फ्री फायर गेम में, तो उसकी भी टेंशन मत कीजिए, हम आपको बता देंगे कि गेम में आपको सर्वाइव कैसे करना है, अपने ट्रॉफीज़ को रश कैसे करना है, और अपने रैंक को आगे कैसे बढ़ाना है। दोस्तों मैंने बहुत दिन से फ्री फायर चालू नहीं किया था, इसलिए मैं थोड़ा पीछे आ चुका हूँ, वरना मैं इस गेम में बहुत ज़्यादा आगे था, लेकिन अभी मेरे बीच में थोड़े एग्ज़ाम्स आ चुके थे इसलिए पीछे था। चलिए दोस्तों वो बातें बाद में करते हैं, अब इस घर पर उतरने वाले हैं हम। ये बस लैंडिंग हो रही है, हमारा कनेक्शन भी एकदम सही है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते तो अपन घर में लैंड कर जाएंगे डायरेक्ट। और ये हम लैंडिंग हो चुकी है, हम घर में लैंड कर चुके हैं जस्ट। हमारे पास 4x स्कोप मिल चुका है हमको, और कोई भी हमको चेप सकता है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा हमको। कभी कभी क्या होता है, वीडियो बनाते टाइम लैग करते हैं इसलिए मर भी जाते हैं, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि इसको खेला नहीं आता गाइस, अगर खेला नहीं आता तो हम इतना कैसे बढ़ते। और आप हमें सपोर्ट कीजिए गाइस, तभी हम आगे आ पाएंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कैसे करेंगे गाइस, कुछ लोग आप ही बताइए ना। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तभी हम सर अच्छा आ पाएंगे ना आगे, तो प्लीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ गाइस की सपोर्ट कीजिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं, ये हाई लूट जोन है जैसे आपको पता है, तो यहाँ पे बंदे होंगे, थोड़ा उछल कुछ करते जाते हैं ताकि हम मरे नहीं एटलीस्ट। यहाँ पे शायद कोई बंदा हो सकता है, हमने ग्लू वॉल भी रेडी निकाल रखी है, और ग्लू वॉल भी है हमारे पास। चलिए आगे जा रहे हैं, यहाँ पे SMG MO है, हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और आप चाहते हैं कि मैं किसी और गेम पे या फिर किसी आउटडोर इनडोर गेम किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं पक्की सी बात अगर एक भी कमेंट मुझे आती है तो मैं बनाऊंगा, और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों जो फ्री फायर में लाइक करते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, उनको भी ये वीडियो भेजना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस इस वीडियो को बनाने में और मज़ा भी आता है। तो आपके दोस्त लोग भी खुश होंगे कि वाह, एक नया बंदा आया है इस फील्ड में जो फ्री फायर की वीडियो बना रहा है, और हम उनके होंगे स्टार्टिंग फॉलोवर्स या फिर स्टार्टिंग सब्सक्राइबर्स। तो जो मेरे स्टार्टिंग सब्सक्राइबर्स होंगे, प्लीज़ अपना नेम कमेंट करिए मुझे, और मैं अगले वीडियो में उन सब का शाउट आउट दूंगा जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं और अपना नेम कमेंट करते हैं। तो अब हम आगे चलते जा रहे हैं। हम अभी हाई लूट जोन में, हमें कोई गन इतनी अच्छी नहीं मिली है। गन हमारे पास अभी सेम ही है, जो कि है M14 गम है हमारे पास, और हैंड कैनन है। यहाँ पे हाई लूट जोन तो है पर गन एक ही है, M14। आप चाहते हैं कि हमें किसी और गेम पे, आप बस मैंने ब्रॉल स्टार बनाया था पहले वीडियो, तो आप जैसे मैं उस पर बनाऊँ तो मैं वो भी बनाऊँगा। और मेरे पास एक ये गाना भी है, मतलब ब्रॉल एंथम करके एक गाना है, तो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ बनाइएगा, बता दीजिएगा मुझे, पक्का से बनाऊँगा। ये आप वो बहुत पसंद आएगा वो वीडियो, हमने उसको नाम दिया है ब्रॉल एंथम, हमने उसको रेडी करके रखा है, जस्ट उसको गाने की देरी है, मतलब हमने लिरिक्स लिख रखी है, हमने गाया हुआ भी है। तो मैं और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, उनने हमने रेडी किया था उस ब्रॉल एंथम को, वो बहुत अच्छा गाना है गाइज, रियली आपको मज़ा जाएगा वो गाना सुन के। तो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ उस चीज़ पे वीडियो, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। और ब्रॉल स्टार फैंस भी मुझे लाइक करिए, क्योंकि मैं ब्रॉल स्टार भी खेलता हूँ, और आप बोलेंगे तो उसमें वीडियो बनाऊँगा। हमारा कनेक्शन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 999 प्लस हो गया है हमारा कनेक्शन, इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और ये हमारा आलोक अब वापस आगे बढ़ रहा है सही सही, क्योंकि कनेक्शन वापस रीएस्टेब्लिश हो रहा है। आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊं तो हमें उस पर बता दीजिएगा, हम आप चाहते हैं कि मैं किसी और लैंग्वेज में बनाऊं या कुछ और कंटेंट पर बनाऊं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं पक्का से बनाऊंगा। अभी मेरे पास गन है एक्सेमेट, जिसकी मेरे पास डेडली बैड स्किन है। हम हैं हाई लूट जोन में, मतलब हम आ चुके हैं हाई लूट जोन से बाहर, और हम थोड़ा आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे। हमको UMP भी मिल चुकी है, तो आई थिंक मुझे UMP ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इसकी बहुत OP स्किन है, और एक्सेमेट की भी डेडली बैट वाली परमानेंट स्किन पड़ी है मेरे पास। तो हम धीरे धीरे सोच समझ के धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे। यहाँ पे लैंडमाइन एस्टेब्लिश कर देते हैं, मतलब लैंडमाइन को लगा देते हैं, और हम आगे चलते जा रहे हैं। यहाँ पे गिर चुका है एयरशिप का सामान, तो हम यहाँ पे जाकर लूट करते हैं। यहाँ बंदे आते रहते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक UMP और AK है, तो वो हमारे पास लिए ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 4 किट है, और हम ग्लू वॉल को भी थोड़ा निकाल के रखते हैं कि कोई शाम में आ जाए तो उसको हम चेप दे, देखते हैं गाइस हम कितना का आ जाते हैं। लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। हमारा नेट दोस्तों वापस जा चुका है, हमने जैसे पहले ही बता दिया था आपको कि आजकल लॉकडाउन है तो बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करते हैं। मेरे पास एक्चुअली अभी जियो का नेट पड़ा है, मैंने हेल्प एंड सपोर्ट में बात भी की थी, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग नेट यूज़ कर रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है सर। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरे को उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, वो पूरे पैसे तो खा लेते हैं पर नेट नहीं देते, क्या करे गाइस। मेरा पैक तो बहुत अच्छा करवा रखा है लेकिन नेट नहीं होता। चलो ये बातें बाद में करेंगे, अभी गेम पे फोकस करते हैं। हम गेम पे धीरे धीरे आगे जाते जा रहे हैं, हमारे पास इलाइट भी खरीदा हुआ पड़ा एक पहले का, लेकिन उसके बाद में हम इनएक्टिव हो गए थोड़े दिन के लिए, इसलिए मैंने और इलाइट नहीं खरीदे थे। जैसे आप कभी भी चले ना इसे, मतलब रश करें, तो आप अपने हाथ में हमेशा कोई बंदूक मत रखिएगा, बैट वगैरह या फिर जो भी आपके पास मुक्का वगैरह हो वो रखिएगा, तो उससे क्या स्पीड में थोड़ा इंक्रीमेंट रहता है। और आप चाहते हैं कि मैं कोलैबोरेशन वीडियो बनाऊं, कि अपने भैया के साथ बनाऊं या किसी और के साथ बनाऊं या किसी और यूट्यूबर के साथ वीडियो बनाऊं गेमिंग का ही, तो मुझे बता दीजिएगा, हम उनके साथ भी वीडियो बताएंगे। जैसे और यहाँ पे देखिए एक बंदा आ चुका है, हमें दिख चुका है, ये भी यहीं खड़ा है और हमें मारने की रेडी कर रखा है। हम भी अपना चालू कर लेते हैं, और ये इससे ये हमारा पहला किल हो चुका है गाइस इस वीडियो में। तो चलिए हम अपना बाउंटी भी एक्टिवेट मिल चुका है, हमारे अपनी UMP की गोली भी आ चुकी है हमारे पास, उसके पास भी एक्सेमेट वगैरह थी। मैं झुकना नहीं चाहता था गाइस, वैसे गलती से झुक गया था। एक बंदा और दिख चुका है, वो रहा नंबर। एक और किल आ चुका है, मैं थोड़ी लाइफ कम हो चुकी है तो मैं किट लगा लेता हूँ गाइस। मैं डबल किल आ चुके हैं,
जस्ट आप मुझे देखते रहिए और मुझे स्पेक्टेट भी कर रहे हैं, थोड़े इमोट्स भी दिखा देते हैं गाइस, देखिए आप, लेकिन इमोट्स में कोई मार नहीं दे इसलिए आगे चलते हैं जल्दी से, उसको लूट करते हैं और थोड़े घर में छुप के थोड़ा बहुत किट विट लगा लेते हैं, रिपेयर किट वगैरह। ग्लू वॉल मुझे मिल चुकी है और यहाँ पे स्कार वार इसके पास है, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि, और स्कोप भी इसके पास 4x था तो मेरे पास भी एक्चुअली 4x ही है UMP में, इसलिए मुझे स्कोप नहीं चाहिए था। अब अलाइव बचे 6 और 2 किल्स हम कर चुके हैं, जी हाँ गाइस 2 किल्स कर चुके हैं, हमारे पास ग्लू वॉल भी 3 हो चुकी है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी हम नहीं मरे हैं अभी तक, हम 2 किल भी कर चुके हैं। तो जोन के अंदर चलते हैं हम, जोन अभी श्रिंक होने वाला है थोड़ी देर में और धीरे धीरे ऊपर वाले घर में चलते हैं जो वहाँ पे पीक के पास में चलते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं फ्री फायर में भी किसी और पे, जैसे क्लैश स्क्वाड पे या किसी और कंटेंट पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू गाइस कि आपने यहाँ तक मुझे इस वीडियो को देखा। हम आगे चलते हैं, देखिए हमारा नेट 300 पहुँच चुका था, अभी हमें थोड़ा कम हुआ था लेकिन अब सही आ चुका है। ये घर लूटेड है, मतलब यहाँ पे आसपास कोई बंदा है गाइस, मेरे को लग रहा है सामने वाले घर में कोई बंदा हो सकता है, इसलिए मैं जाऊँगा तो रेडी होके जाऊँगा। यहाँ पे मतलब मशीन है जिससे हमारा वेस्ट और हेलमेट इंक्रीज हो जाती है लेवल और रिपेयर हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो वो भी हमने रिपेयर कर लिए है और बढ़ा लिए है अपने वेस्ट की लेवल को। वेस्ट हमारी हो चुकी है लेवल 4A बोलते हैं शायद इसको, 4A की हो चुकी है। एक जना आपको हमको अभी भी स्पेक्टेटेड कर रहा है और हम इस घर में आ चुके हैं और आगे आ चुके हैं। हमारे पास लेवल 3 का बैग है और इलाइट है, इसमें आप देख सकते हैं अभी डेंजर जोन यहाँ बन चुका है, तो हम बाहर जाते तो खतरा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे अंदर ही घर में थोड़ा घूम घुमा के आपको थोड़े इमोट सिखा देता हूँ। तो देखिए ये है हमारा पहला इमोट, ये हमारे क्लैपिंग का, ये हमारा हुआ मून फ्लिप और ये हुआ हमारा मतलब ओ गॉड व्हाई यू डन सो, ऐसा कुछ करके ये इमोट है। फिर यहाँ पे हमारे पास सेल्फी का भी इमोट है अपने, देखो डीजालो का कैमरा, तो देखो हरे रंग का कैमरा है, मतलब हरे रंग का इसका मोबाइल है या फिर इसने अपनी स्क्रीन लगा रखी हरे रंग की। और 2 इमोट तो सबको फ्री में मिले हुए थे उस टाइम, आपको याद हो तो कोई इवेंट आए थे फ्री फायर में पहले तो उसमें मिल आए थे हमको, तो आपको नहीं मिले तो गाइस अफसोस मत करिएगा क्योंकि फ्री फायर में नए नए इवेंट आते रहते हैं तो कभी ना कभी आपको भी मिल ही जाएंगे और इमोट्स। तो हम अभी जोन के बाहर हैं एक्चुअली, तो हम जोन में चलते हैं। तो डीजे आलोक के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, हमने अभी केली की भी ले रखी है एबिलिटी, तो उससे हमारी स्पीड थोड़ी इंक्रीज है और एक बंदा हमको अभी तक स्पेक्टेटेड कर रखा है। हम आगे चलते हैं, हमारे चैनल को आपको बड़ा बनाना होगा गाइस, हमको सपोर्ट तो करना होगा आपको। हमारे पास हैंड कैनन भी है, हम आगे चल रहे हैं, हैंड कैनन भी है हमारे पास, तो कोई बंदा दिखता है हमको दूर तो उस हैंड कैनन से भी उड़ा सकता हूँ मैं एक ही बार में। यहाँ पे फ्लैश बैंक भी आ चुका है हमारे पास और थोड़े बहुत मिशंस भी कंप्लीट करेंगे हम आज। और यहाँ पे हम आ चुके हैं, लूट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे ARMO AN94 हमको नहीं चाहिए क्योंकि एक्चुअली हमारे पास स्किन नहीं है उसकी अभी एट द मोमेंट, तो हमें नहीं चाहिए। ग्लू वॉल मिल चुकी है यहाँ पे, तो हम एक ग्लू वॉल ले लेते हैं, काम हो जाती है। मेरे को वैसे परफेक्टली नहीं आती ग्लू वॉल लगानी गाइस, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अभी के अभी। तो हम आगे चलते हैं, अब देखिए गाइस सिर्फ 9 जने बाकी है और 2 किल मैं कर चुका हूँ। अब थोड़ी स्थिति गंभीर हो रही है इस मैच की, गंभीर, देखिए गाइस कितना बड़ा वर्ड बोला मैंने, हिंदी में बोला वो भी एकदम शुद्ध हिंदी में, प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं हाँ गाइस ये बताना भूल गया आपको कि इंडियन ही मेरी नेशनैलिटी है और मैं इंडिया से ही हूँ, तो प्लीज़ मेड इन चाइना को मत सब्सक्राइब करिए, मेड इन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इंडिया इज़ द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट। ये छोटे मोटे बच्चे थे ना जब हमको स्लोगन सिखाते थे, तो हम ईस्ट और वेस्ट करके किसी का भी नाम लगा के ईस्ट और वेस्ट दिस इज़ द बेस्ट करके लगा देते थे। तो मैं एक्चुअली अभी राजस्थान में हूँ और एट द मोमेंट मैं फ्री फायर चला रहा हूँ। 71 नेटवर्क की है मेरा कवरेज, अभी 100 हो चुका है और 7 जने लाइव है गाइस, सिर्फ 7 जने। क्या आपको लगता है हम भूया कर पाएंगे? जो नहीं भी कर पाते गाइस तो हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं देने का और आप हमें सपोर्ट करते रहिए तो हम और चीज़ें लाएंगे नई नई इस गेम में। अगर आप चाहते अगर हम और बड़े यूट्यूबर बने तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। ये मेरा थोड़ा लंबा ज़रूर हो चुका है गाइस, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि तभी आपको मज़ा आएगा कि पता लगेगा कि रियल गेम प्ले क्या होता है, आलोक के साथ भी कैसे खेलते हैं। और हम आगे चलते हैं, अब थोड़ा जोन में आगे धीरे धीरे चलते जाते हैं क्योंकि एक जगह रुके कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे बाइक खड़ी है तो बाइक की भी हमारे पास OP वाली स्किन है एकदम,
तो वो स्किन भी आपको दिखाते हैं, बस चला के दिखाते हैं, वैसे तो यहाँ पे चलाना मुश्किल है। ये देखिए हमारे पास इलाइट वाली स्किन पड़ी है अभी बाइक की, तो ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलाइट वाली स्किन पड़ी है। हम आगे चलते हैं धीरे धीरे यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं, हमें कोई भी बंदा हो सकता है, क्योंकि 7 जन आए हैं और जगह भी धीरे छोटी होती जा रही है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। हमने UMP रेडी रखते हैं, मेरे पास UMP की भी डबल डैमेज वाली स्किन पड़ी है, तो उसके लिए भी हम आगे चल रहे हैं। अभी हमारे दोनों अच्छी अच्छी गन्स पड़ी है, XM8 भी है। पिछली बार जब मैं बंदा मार रहा था गाइस, तो मैंने गलती से UMP से मारा, इसलिए थोड़ी गोलियां भी ख़त्म हो गई, और UMP से इतना अच्छे से मरा भी नहीं, क्योंकि UMP सिर्फ रश के लिए होती है, बंदा सामने आ जाता मार सकते हैं उससे। मेरे को डाउट है कि इस घर में कोई बंदा हो सकता है, धीरे धीरे चलते हैं इस घर में, क्योंकि मोस्टली होता है इस घर में कोई ना कोई बंदा आता ही है, तो एकदम धीरे धीरे चलते जाइए और घर में देखते जाइए, बहुत अच्छा तरीका है मतलब बचने का। अब यहाँ हमें झुक के 2 मिनट रेस्ट लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं, और हम देखते हैं कि आता है कोई बंदा या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे छुपे हुए हैं हम, और आगे जा रहे हैं हम। अब जोन श्रिंक होते जा रहा है, अभी भी 7 जन ही अलाइव है गाइस, मतलब कोई मर ही नहीं रहा, ना कोई सामने आ रहा है। हमको थोड़ा छुप के बैठना पड़ेगा, लगे किसी की आवाज़ नहीं आए हमारे फुट की। तो कभी आप ईयरफोन्स लगा के खेलते हो या फिर अपना स्पीकर को फुल करके खेलते हो, तो पता लगेगा कि आपको आवाज़ आती है ईयरफोन्स में, कि फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है। चाहे ईयरफोन्स हो या नहीं हो, आपको फुट स्टेप्स की आवाज़ ज़रूर आती है गाइस। तो उसी के दाना खचले अब लाइव 6 ही बचे और फाइटिंग चालू हो चुकी है, रियल फाइटिंग चालू हो चुकी है अब इस मैच में। तो हमें भी आई थिंक रश करना चाहिए, हम मर भी सकते हैं गाइस, लेकिन आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। आप सोच रहे हैं मैं भावुक हो चुका हूँ, लेकिन ये भाव व्यक्त करने का एक छोटा सा तरीका है। यहाँ पे 3-4 बंदों की लड़ाई चल रही है, हम भी उनको मारने में सहयोग देते हैं, और ये उसने ग्लू वॉल लगा ली है उस बंदे ने, हम थोड़ा अंदर चल के चलते हैं। अब मैच एकदम गंभीर स्थिति में पहुँच गया है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में, हमको भी अपनी ग्लू वॉल्स रेडी रखनी चाहिए कि कोई मारता है तो हम भी रेडी रहे एट द मोमेंट। और बंदे भेद नादन बंदे आ रहे हैं, हम मर चुके हैं गाइस, और हमारा मैच अब हम 5th नंबर पे आए हैं, और इसमें हम क्योंकि चारों तरफ से घिर चुके थे गाइस, इसलिए 5th नंबर पे आए हैं। हमारी रैंक भी अच्छी खासी इंक्रीज हो गई, प्लस 67 हुआ है, और हम 5th नंबर पे आए हैं। हमें फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं, किल 2 कर चुके हैं, 600 डैमेज दी हमने, मतलब 3 किल भी हो जाते हैं हमारे अगर पीछे में से परेशान नहीं करते बंदे, और हम टॉप 10 में भी आ चुके हैं, लेकिन क्लोज से हम पर सिगार नहीं थे। ऐसे ये फ्री फायर कहता है, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, सॉरी गाइस, पर थैंक यू आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप नए वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही।